सारी चीजें ले आए? जी अब्बा। चलो। अरे कहाँ हो भाई, ले आओ। हाँ बस आ रही हूँ। अरे भाई इन कामों को जरा जल्दी निपटा लिया करो, ये वक्त होता है दुआ मांगने का। हाँ कल से जल्दी कोशिश करूंगी, सचमुच बहुत देर हो जाती है। आज जैद ही पहले पहुंचेगा मस्जिद में और देखना जीत भी जाएगा। हाँ तुम्हीं ने सिखाया है इन्हें। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने तुम जैसी मुझे बीवी दी। कितनी अच्छी तरीके से मेरे बच्चों की तरबियत करती हो तुम। अरे चलो मैं भी जाता हूँ, नहीं तो आखिरी सफ तो क्या जमात भी नहीं मिलेगी। बच्चों को नहीं उठाया? नहीं उन्हें सोने दो। क्यों, वो लोग भी सहरी का मजा ले लेते ना। वो चावल कम थे और फिर इन्हें दिन में भी तो खाना है। देखिए आज आपकी पगार हो जाएगी इंशाल्लाह, हम आज राशन भर लेंगे फिर बच्चों को सहरी के लिए जरूर उठाएगी। अरे तुमने तो कुछ लिया ही नहीं, सब मुझे ही दे दिया। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, देखिए आप सारा दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कम खाएंगे तो खाली पेट कैसे कर पाएंगे। मेरा क्या है? तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है, और तुम्हारा क्या, तुम भी तो सारा दिन घर का काम करती रहती हो, वो काम क्या कम है? जो कुछ है मिल बांट कर खाएंगे, अल्लाह इसी में बरकत देगा। और रही बात भूख की, तो रोजा ही क्या जिसमें भूख की शिद्दत महसूस ना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये रहे तुम्हारे पगार के बचे हुए पैसे। कितनी छुट्टियां करते हो तुम? साहब मैं बीमार था ना साहब, अगर कुछ एडवांस मिल जाते। नहीं नहीं साहब, रमजान का महीना है और ईद भी आने वाला है, मुझे और लोगों के भी पैसे देने हैं। वैसे भी कल से तुम लोगों की छुट्टी है, अगले महीने चक्कर लगा लेना, काम होगा तो मिल जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, खड़े रहने की आदत हो गई इन लोगों को, काम है नहीं तो देगा कैसे इंसान। आज अब्बा अभी तक आए नहीं, अब्बा आ गए। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है बेटा हमारा जैद? खरबूजा। ये देखो अब्बा ने क्या लाया। बेटा एक काम करो, तुम जाकर शकुर चाचा को ले आओ, ठीक है बेटा? जाओ जल्दी ले आओ। हमजा बेटा तुम एक काम करो, एक थाली और एक चक्कू लेकर आओ, आज तुम्हारे अम्मी के काम में हाथ बटाएंगे हम लोग। रहने दो मैं काट लूंगी। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम एक काम करो सिर्फ नींबू का शरबत बना दो, ये मुझसे नहीं होता, और वैसे भी तुम्हारे हाथ की शरबत तो ढूंढने से भी नहीं मिलती इस पूरे जहां में। ठीक है बनाती हूँ। आज आपकी अफ्तारी की दावत है। अच्छा ठीक है, आइए बैठिए। शुक्रिया बहुत बहुत। ये अल्लाह अल्लाह माशाल्लाह। बेटा जैद एक काम और करो, ये ले जाकर बिलाल के घर पे दे आओ। ठीक है। प्लेट सही तरीके से पकड़ना, ठीक है? जाओ जल्दी दे आओ। जी।
इनको हमेशा से मिल बांट के खाने की आदत है। चलो भाई, अल्लाह और बरकत दे। नबील भाई, अस्सलाम वालेकुम। अब्बा ने भेजा है। अरे क्या बात है, क्यों भाग रहे ये लोग? नमाज के वक्त ऐसी दौड़ के भागते हैं ये लोग। अच्छा, माशाल्लाह। हमजा तुम चलो, मैं प्लेट लेकर आता हूँ। ठीक है जैद, जल्दी आना। जज़ाकल्ला। क्या बात है, दो दिनों से देख रही हूँ आप हर वक्त परेशान नजर आते हैं। क्या कहूँ, सेठ ने कहा है कि एक महीने तक कोई काम नहीं, पैसा जो मिला था वो भी खत्म हो गया, ईद भी सर पर है, साल में एक बार खुशी का मौका आता है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। सोचा था तुम्हारे और बच्चों के लिए एक एक जोड़ी कपड़ा ले लूंगा, लेकिन देखिए, आप अपने आप को परेशान मत करिए। और फिर मुझे नए कपड़ों की क्या जरूरत है, हाँ बस बच्चों के लिए हो जाए बस। सोचता हूँ किसी से कर्ज ले लूं, लेकिन पहले से ही इतना कर्ज है कि देखिए, आप कर्जा मत लेना, हम जिस हाल में हैं उसी में अपनी खुशियां मना लेंगे। हाँ लेकिन बच्चों की तो ख्वाहिशें होती है ना। अल्लाह पर भरोसा रखिए, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। हाँ, अल्लाह ही पे भरोसा करके तो जिए जा रहे हैं। ये तो एक ही जोड़ा है, और जैद के लिए इसे रखो, कुछ मिठाई बनाने का सामान ले आना। मैं तरावी पढ़कर आता हूँ। वक्त तो देखिए।
खाना परोसो, भूख लगी है मुझे। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? परसों ईद है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। बच्चे आस लगाए बैठे हैं और मैं अब्बा हमें कपड़े नहीं चाहिए। अब्बा आप ही ने तो कहा था कि अल्लाह ने जितना दिया है उसी में शुक्रगुजार बन के रहना। अब्बा